आज हमारी कश्मीर ट्रिप का डे 4 है। आज हम जा रहे हैं पहलगाम के लिए, तो तैयारी चल रही है। तैयार हो गए हैं, मैं लगेज रख लिया है गाड़ी में, फिर निकलते हैं पहलगाम के लिए। आगे जाके दिखाता हूँ। पहलगाम जाते हुए रास्ते के नज़ारे हैं। ये रास्ते में कोई एक छोटा सा गांव है, जब आप श्रीनगर से पहलगाम के लिए निकलेंगे तो ये रास्ते में नज़ारे हैं। ये कोई गांव पड़ता है, ये रिवर है, रिवर के ऊपर से जो ब्रिज क्रॉस कर लिया। आगे रिवर दिखाता हूँ एक। श्रीनगर से पहलगाम जाते हुए रास्ते में ये एक जगह पड़ती है, गांव है। भाई जान, इस गांव का नाम क्या है? क्या है? सकड़स बोलते हैं इसको। बता दो, जोर से बता दो, क्या बोलते हैं? सकड़स। सकड़स। इस सकड़स पड़ता है ये गांव। ये रास्ते में ये जगह है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। भाई अभी पहलगाम पहुँचे नहीं है, पहलगाम पहुँचने वाला हूँ। आगे ही पहलगाम है, कुछ ही किलोमीटर रह गया यहाँ से। आगे चलते हैं, फिर आगे दिखाता हूँ वहाँ का कैसी ब्यूटी है वहाँ की। वैसे यार पूरा कश्मीर ही बहुत अच्छा है। वेलकम टू पहलगाम। भाई पहलगाम पहुँच गए, पहलगाम से और आगे ही आ गए हैं। 6 किलोमीटर आगे एक बेताब वैली पड़ती है, यहाँ आए हैं। इसका बोर्ड है, यहाँ पे पार्किंग में कार लग गई है, पार्किंग के लिए कार उधर से आती है और यहाँ पे ये टिकट मिलते हैं। टिकट लेना सबको ज़रूरी है, सबको बिना टिकट से कोई एंट्री नहीं है, टिकट लेना पड़ता है। 100 का टिकट है, 100 रुपये का टिकट है। टिकट ले लिया है मैंने। जाऊँ भाई? ये भाई को एंट्री दिखानी पड़ती है जाने के लिए, ये स्टैंप लगा के दी है। हेलो, नज़ारे देखो भाई। ये बेताब वैली है, ये पहलगाम के आगे पड़ती है, 6 किलोमीटर आगे। पहलगाम एक गांव है, यहाँ से काफ़ी वैली, इसके आसपास काफ़ी जगह है घूमने की, आप कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि हमारी फैमिली तो यहीं आई है घूमने के लिए, तो मैं फैमिली के साथ साथ उनके साथ ही आया हूँ। ये साइड में रिवर है। आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ क्या आगे पार्क है घूमने का। वहाँ पार्क में बैठे हैं काफी लोग। भाई वहाँ कार पार्किंग में लगाने के बाद, टिकट लेने के बाद आप यहाँ आओगे इधर से, फिर आगे जाना है। आगे वो यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे थे कि एक आगे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं कि स्पॉट है, वहाँ पे घूमने के लिए बहुत टूरिस्ट आता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए घोड़े से जाते हैं। जिसका वो टिकट कह रहे थे कि 1500 रुपये का एक हॉर्स मिलेगा, जिस पर एक आदमी बैठ के जा सकता है, वो साथ में वो पैदल चला के लेके जाता है। क्या कहा, आइसक्रीम मर रहा है क्या? कह तू क्या कह रहे हैं, थाने खिलवा दूँ साले। तो भाई आगे चलते हैं, दिखाते हैं। भाई बिरयानी खा रहा हूँ, यहाँ बिरयानी मिलती है, बिरयानी सही है, टेस्टी है, मतलब पेट भर जाएगा। थोड़ी आगे चलने के बाद ही ये ब्रिज आया है, ये ब्रिज क्रॉस करते हैं। ये रिवर आ रही है, अभी रिवर का नाम तो पता नहीं कौन सी, लेकिन बेताब वैली शायद यही होगी। आगे चलते हैं। भाई खूबसूरती चेक करो कश्मीर की। ये उस तरफ घोड़े मिलते हैं, जो घोड़े ऊपर लेके जाते हैं, इनका 1500 रुपये लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं। 4-5 पॉइंट इन्होंने अपने नाम रख रखे हैं, किसी को स्विट्जरलैंड कह रहे हैं, किसी को मिनी स्विट्जरलैंड, अपने अपने ही नाम है। आगे जाके बस पानी है, पानी में ये घोड़े क्रॉस करा देते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर। तो उस ब्रिज को क्रॉस कर लिया,
ब्रिज क्रॉस करने के बाद आगे जा रहा हूँ, आगे दिखाता हूँ ठीक है। रिवर के इधर साइड में ये पार्क है, पार्क में आ गया हूँ, पार्क दिखाता हूँ मेरे दोस्त। पार्क देखो कितना खूबसूरत पार्क है, इसकी ब्यूटी चेक करो। यहाँ लोग आराम करते हैं, अपने साथ में बोले कालीन लेके आते हैं, कालीन बिछाने के बाद यहाँ पे देखो बैठ के आराम कर रहे हैं सारे लोग। कुछ लोग तो हैं अपने अपना वो भी लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं, खाना खाते हैं बैठ के, लंच कहीं करते हैं। जो लोकल के लोग हैं वो भी यही करते हैं, और कुछ लोग यहाँ बनाते हैं अपना साथ में लेके आते हैं बनाने के लिए, सारा सिस्टम जो होता है बनाने का। बाकी इधर चलते हैं वो यार, उधर वो अपने दोस्त खड़े हैं उनसे ही मिलने हैं यार। भाई देखो कश्मीर की ब्यूटी चेक करो, वो ब्रिज है, ब्रिज की तरफ से तो आ ही रहे हैं। आजो तो भाई, थोड़ी आगे चलने के बाद ये ग्राउंड आया है, इस ग्राउंड में अपने फैमिली वाले बैठे हैं, उनके पास जा रहा हूँ। बाकी इसकी खूबसूरती चेक करो भाई, प्रताप वैली की। यहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूट हुई थी। हाँ यहाँ बजरंगी भाईजान शूट हुई थी, वो यही था ना। लेकिन उन लोगों ने पता है क्या, वो पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर बनाया था वो सब अपने हाथ से बनाया, उनका बॉर्डर था वो रियलिटी नहीं था, लेकिन नकली था, रियल बॉर्डर नहीं था वो। अलाउ नहीं करते वहाँ पर, ना ना शूटिंग नहीं होती है। ये देखो इसकी खूबसूरती चेक करो मेरे दोस्त। अगर आप लोग भी आ रहे हो तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले एक पोस्टपेड सिम जरूर ले लेना, वो जरूरी है क्योंकि यहाँ पे प्रीपेड सिम ही चलती है। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि उस पर आपका एड्रेस नहीं होता, उस पर जो है कोई भी फेक आईडी से सिम ले लेता है और वहीं आ जाता है। यहाँ पे असल में बॉर्डर एरिया है तो सिम लेना बहुत ज़रूरी है। फिर जो भी लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं आने के लिए, सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर, भाई एक बात क्लियर कर दूँ, जम्मू जो कश्मीर है, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। कश्मीर में ये जगह पड़ती है श्रीनगर, श्रीनगर से ये 80 किलोमीटर दूर पे पहलगाम है, पहलगाम के भी आगे 6 किलोमीटर दूरी पे ये बेताब वैली है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। आजो बाकी आगे दिखाते हैं। देखिए भाई आप यहाँ पे आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आओ, मज़े लो, एंजॉय लो। हम तो फिलहाल जून में आए, कुछ लोग बर्फ़ देखने आते हैं दिसंबर में। असल में रीज़न क्या है, फैमिली के साथ उस टाइम पे आ नहीं सकते, असल में जाम बहुत होता है, फिर फैमिली के साथ नहीं हो पाता यार वो सब, है ना, समझ यार बात होता ही। ये मेरे दोस्त ये देख, ट्री हाउस देख गया वाला, देख ट्री हाउस देख गया, ये सोच रहा करो यार ये तो पकड़ो यार। भाई ये बड़ी मेहनत से बनाया, कम से कम 50 साल में बनाया ये ट्री हाउस, ये मेरे यार ने बनवाया था। ये जो ये बैठा है ये तो मेरे भाई अब जा रहे हैं घर के लिए, हम यहाँ से निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सारी यादें मैंने अपने फ़ोन में भर ली हैं, अब घर जाके देखते हैं। जब तक के लिए मेरे दोस्त बाय बाय, फिर मिलते हैं।